आज हम बात करेंगे 2016 की एक फ्रेंच मूवी अ मिनट साइलेंस के बारे में, जो 2016 में रिलीज हुई थी। ये कहानी एक इंग्लिश टीचर और उसके स्टूडेंट के ऊपर बेस्ड है, जिसमें स्टूडेंट को अपनी ही टीचर से प्यार हो जाता है। कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को एक मिनट का मौन रखते हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सेल बोट में कुछ लोग दिखाई देते हैं। उनकी बोट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम क्रिश्चियन है, जिसका स्टोन फिशिंग का काम है। वो उस शिप को देखता है और फिर दौड़ते हुए उस बोट में मौजूद औरत को इशारा करता है। इस औरत का नाम है स्टेला। जैसे ही वो पाल को नीचे करने की कोशिश करती है, मेन सेल बूम उसके शरीर में लग जाता है और वो बेहोश होकर पानी में गिर जाती है। कहानी 3 हफ्ते पीछे जाती है, जहाँ हम स्टेला को देखते हैं। स्टेला इंग्लैंड से 14 साल बाद वापस आई है। वो इंग्लैंड में इंग्लिश टीचर है और फिलहाल वहाँ छुट्टियाँ चल रही हैं, इसीलिए वो यहाँ पर पढ़ाने के लिए अपने होम टाउन आई है। स्टेला क्रिश्चियन और बाकी स्टोन फिशर्स के लिए बियर लेकर आती है। वहाँ के लोग स्टेला को नहीं पहचानते, क्योंकि वो कभी वहाँ रही ही नहीं। स्टेला कहती है कि वो स्कूल की नई इंग्लिश टीचर है। वहाँ एक आदमी थॉमस स्टेला को पहचान जाता है कि वो पीटरसन की छोटी बेटी है। वो कहता है, तुम काफी सुंदर हो गई हो और तुम बाकी टीचर से काफी डिफरेंट हो। क्रिश्चियन के डैड स्टेला से बात करते हैं। स्टेला उन्हें किसी दिन स्टोन फिशिंग के लिए साथ ले जाने को कहती है। डैड कहते हैं, फिलहाल इस सीजन का काम पूरा हो चुका है, वो स्प्रिंग में शायद उसे साथ ले जाएं। और फिलहाल उनका गुजारा यहाँ आने वाले टूरिस्ट से हो रहा है। डैड अपने बेटे क्रिश्चियन से स्टेला को मिलवाते हैं और बताते हैं कि वो हाई स्कूल के फाइनल ईयर में एंटर करने वाला है। उसके बाद स्टेला चली जाती है। बाद में क्रिश्चियन स्टेला को एक फेयर में देखता है और स्टेला भी उसे अलग निगाहों से देख रही थी। फिर स्टेला मिस्टर ब्लॉक, जो स्कूल प्रिंसिपल है, उनके पास आती है और उससे बातें करने लगती है। प्रिंसिपल मार्टिन की तरफ इशारा करते हैं और बताते हैं कि वो भी उसी स्कूल में टीचर है जहाँ स्टेला कल से पढ़ाएगी। उसकी वाइफ की 2 साल पहले डेथ हो चुकी है और उसकी 2 बेटियां हैं। माँ के बिना बच्चे पालना काफी मुश्किल होता है, वो स्टेला से कहते हैं। लेकिन अब तुम आ गई हो, शायद मार्टिन को उसके बच्चों की माँ मिल जाए। स्टेला उसे अजीब से एक्सप्रेशंस देती है। उसी रात वहाँ एक लोकल फंक्शन होता है, जिसमें एक आदमी ऑक्टोपस का रोल प्ले कर रहा था और वो स्टेला को उठा लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वैसे तो ये एक प्ले का पार्ट था, लेकिन स्टेला को ये सब पसंद नहीं आता। वो आदमी स्टेला को टॉम बॉय कहकर बुलाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये देख क्रिश्चियन उस आदमी को पीट देता है। सबका मूड खराब हो जाता है। मार्टिन स्टेला के पास आता है और उसका मूड ठीक करने के लिए उसे साथ में डांस करने के लिए कहता है, लेकिन स्टेला का मूड खराब होने की वजह से वो वहाँ से चली जाती है। रात में क्रिश्चियन अपनी बोट में बैठा होता है, जहाँ से स्टेला का घर साफ दिख रहा था। वो स्टेला को कपड़े बदलते हुए देखता है और सुबह जब स्टेला उसे वहाँ देखती है, वो उस पर बेवजह ही चिल्लाने लगती है। लेकिन फिर वो उसके पास आती है और उससे सॉरी कहती है और उसकी बायोस बोट पर रखने में उसकी हेल्प करती है। वो उसके साथ बोट से स्टोन फिशिंग करने के लिए चली जाती है। क्रिश्चियन स्टेला की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। मौसम खराब होने लगता है। स्टेला मौसम को एंजॉय करती है और स्विमिंग करने लगती है। उसे देख क्रिश्चियन भी पानी में कूद जाता है और फिर वो एक खाली पड़े घर में जाते हैं, जो एक बर्ड वॉचर का घर था। क्रिश्चियन वहाँ आग जलाता है ताकि स्टेला और उसे ठंड ना लगे। वो आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। स्टेला को क्रिश्चियन काफी सीरियस लड़का लगता है। वो कहती है, इस एज के लिए तुम काफी सीरियस हो। वो दोनों एक दूसरे को बस देखते रहते हैं। स्टेला उसे अपने पास बुलाती है। क्रिश्चियन उसे किस कर लेता है। स्टेला अपने कपड़े उतारने लगती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद वो वापस जाने लगते हैं। दोनों काफी खुश हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ क्रिश्चियन स्टेला को पानी से बाहर निकालता है और एम्बुलेंस आकर उसे ले जाती है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ मार्टिन स्टेला को क्रिश्चियन के साथ देखता है। स्टेला सफाई देने लगती है कि वो क्रिश्चियन की मदद कर रही थी। मार्टिन स्टेला को रात के डिनर पर इनवाइट करता है। दरअसल मार्टिन स्टेला को पसंद करता है। स्टेला कहती है उसे अपने डैड के पास जाना है, वो नहीं आ पाएगी। उसके बाद वो क्रिश्चियन के साथ चली जाती है। क्रिश्चियन उससे पूछता है कि वो फिर कब मिलेंगे। स्टेला कहती है कल स्कूल में, लेकिन क्रिश्चियन उससे प्राइवेट में मिलने के लिए पूछ रहा था। स्टेला उसको जवाब नहीं देती। अगले दिन प्रिंसिपल स्टेला को स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जहां जॉर्ज नाम का स्टूडेंट काफी होशियार होता है। स्टेला उससे काफी इंप्रेस होती है।
क्लास में स्टेला क्रिश्चियन को पूरी तरह से इग्नोर करती है और अगले दिन जब वो रोड ट्रिप पर जाते हैं पूरे रास्ते स्टेला क्रिश्चियन को घास नहीं डालती। क्रिश्चियन काफी इग्नोर फील करता है। कुछ दिनों बाद स्टेला कहीं जा रही होती है। क्रिश्चियन अपनी डैड की कार से उसको फॉलो करता है। स्टेला उसकी कार में बैठ जाती है और कहती है ऐसी जगह ले चलो जहां ज्यादा लोग ना हो। रास्ते में क्रिश्चियन उसकी फोटोज क्लिक करता है। और वो दोनों बीच पर जाते हैं। वहां क्रिश्चियन स्टेला से पूछता है कि वो उसे स्कूल में इग्नोर क्यों करती है। स्टेला कहती है और मैं क्या करूं। क्रिश्चियन कहता है उसे बहुत बुरा लगता है जब वो उस पर ध्यान नहीं देती। तभी उनके पास एक बॉल उछल कर आती है जहां स्टेला का फेवरेट स्टूडेंट और बाकी स्टूडेंट्स वॉलीबॉल खेल रहे थे। स्टेला और क्रिश्चियन को साथ देख वो लड़के शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन स्टेला सिचुएशन संभाल लेती है और उन लड़कों के साथ खेलने चली जाती है। स्कूल के फिर से शुरू होने के बाद क्रिश्चियन को स्टेला के साथ अकेले रहने का अवसर मुश्किल से मिल पाता है। स्टेला अपने रिश्ते को गुप्त रखने की कोशिश करती है क्योंकि 1960 की शुरुआत में एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच के रिश्ते को एक बहुत बड़ा स्कैंडल माना जाता था। इसीलिए वो एक छोटे से टापू पर ही मिलते हैं जहाँ वो दोनों लगातार इंटीमेट होते हैं। उनके रिश्ते पर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन क्रिश्चियन के डैड को उनके बारे में पता चलता है। वो अपने बेटे को पूरी तरह से समझते हैं, लेकिन क्रिश्चियन की माँ नाराज हो जाती है और कहती है एक मिडिल एज औरत कैसे अपने से छोटे लड़के के साथ संबंध रख सकती है। कुछ दिनों बाद स्टेला इंग्लैंड के कुछ दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर जाती है और क्रिश्चियन वहाँ एक छोटे से द्वीप पर फ्यूचर में स्टेला के साथ रहने का प्लान बनाता है। वो उस बर्ड आइलैंड को पट्टे पर देने का सोचता है जो उसने खुद लीज पर ली थी। स्टेला जब अपने टूर से वापस लौट रही होती है उनकी सेल बोट एक तूफान में फंस जाती है। जैसे ही वो पाल को नीचे करने की कोशिश करती है मेन सेल बूम उसके सिर में लग जाता है और वो बेहोश होकर पानी में गिर जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां वो कोमा में चली जाती है। प्रिंसिपल कुछ स्टूडेंट्स को लेकर स्टेला से मिलने आते हैं। आधी रात में क्रिश्चियन एक सपने से जागता है जिसमें स्टेला उससे दूर होती जा रही है। वो तुरंत हॉस्पिटल चला जाता है और उसे पता चलता है कि स्टेला की मृत्यु हो गई है। क्रिश्चियन स्टेला के डैड के घर आता है और पूछता है कि क्या उन्हें कोई मदद चाहिए। स्टेला के डैड कहते हैं वो स्टेला के फनरल की तैयारी करने में उसकी हेल्प कर दे। स्टेला के लिए स्कूल में एक मिनट का मौन आयोजित किया जाता है। क्रिश्चियन आखिरी बार अपने बर्ड आइलैंड के लिए ड्राइव करता है। वहाँ वह खुद को खुशी खुशी स्टेला के साथ इमेजिन करता है। वो आखिरी बार उसके करीब आने के लिए समुन्द्र में छलांग लगाता है और गहराइयों तक चला जाता है। लास्ट में हम उसे वापस ऊपर आते हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी को देखना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको ये मूवी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा।